इंटरनेशनल लेवल पे फ्लाइट बुकिंग कैसे करते हैं, उसके लिए सबसे पहले मेक माई ट्रिप पे लॉगिन होंगे। गूगल पे जाके सर्च करेंगे मेक माई ट्रिप, इस साइट से हम इंटरनेशनल लेवल की टिकटें कैसे बुक करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे मैंने दिल्ली सेलेक्ट कर लिया है। दिल्ली से मलेशिया के लिए टिकट बुकिंग, तो यहाँ पे देखिए जिस जिस डेट की फ्लाइटें हैं उस डेट में ये दिखा रहा है 28 को 7,564 रुपये की टिकट है। जून में है नहीं टिकट फ्लाइट कोई भी, तो इस तरह से हम आगे पीछे करके इसको चेक कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे है तो चेक करते हैं 28 मई की टिकट। ठीक है, रिटर्न नहीं करनी, वन साइड टिकट कर रहा हूँ। आपने यहाँ फ्लाइट ऑलरेडी सिलेक्ट रहेगा, राउंड ट्रिप करना है तो यहाँ से आप राउंड ट्रिप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये ट्रैवलर मैं एक ही हूँ तो एक ही टिकट बुक करके बताऊंगा मैं इसमें। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ सर्च के ऊपर क्लिक कर देना है। ये सारी डिटेल यहाँ से ये फेच कर रहा है। अब देखिए ये सबसे ऊपर दिखा रहा है, ये पहले यहां से समझ लेंगे इसको। ये हमारा दिन है 28 मई की और ये हमारा फेयर है जितना बनेगा। आप नॉन स्टॉप लेना चाहते हैं तो सिर्फ एक फ्लाइट है 18,514 हम टिकट है उसकी। अगर वन स्टॉप वाली लेना चाहते हैं तो वन स्टॉप वाली में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, रास्ते में एक जगह टेक ऑफ है। ठीक है, तो फिलहाल मैं वन स्टॉप वाली कर रहा हूँ क्योंकि ये सस्ती पड़ती है। उसके बाद आप बिफोर 6 AM करना चाहते हैं तो यहाँ से फिल्टर लगा के आप देख सकते हैं कि आपको किस टाइमिंग की जो टिकट है वो चाहिए। तो फिलहाल मैं ये टिकट बुक करने जा रहा हूँ जो 14,000 की है, और ये देखिए एयर एशिया की ये 13,865 की, तो ये कर लेते हैं बुक। तो मैं ये टिकट बुक करके दिखाता हूँ। यहाँ से फ्लाइट की डिटेल आप चेक कर सकते हैं। टाइम पीरियड देखिए 6:55 पे ये चलेगी कोलकाता, ये 21:20 पे स्टॉपेज है इसका। उसके बाद ये वहां से 25 मिनट बाद 7:15 बजे फिर ये मलेशिया पहुंचेगी। तो हमने डिटेल यहां से देख सकते हैं। डिटेल देखने के बाद बुक नाउ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे बुक करने के बाद ये हमें यहाँ पे इसकी डिटेल जो मैंने देखी थी वो यहाँ पे दोबारा दिखा रहा है। डिटेल यहाँ पे देखने के बाद आप देखिए हमारे पास जो 9,760 रुपये किराया है, फीस और सर चार्जेस हैं जो 3,327 और सर्विस फीस है 758, टोटल 10 रुपए ये मिला के हमारे बन गए 13,876। इससे पहले आपने यहाँ नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको कैंसलेशन, अगर आपको लगता है कि आपने टिकट कैंसिल करनी है तो ये फैसिलिटी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे लगा हुआ है ये 236 रुपए, 236 रुपए किस चीज के हैं, ये यहाँ पे बैगेज की जो प्रोटेक्शन के लिए ऐड किया गया है, इंश्योर्ड है। अगर आपका बैगेज गुम हो जाता है तो आपको पैसा मिल जाएगा, तो इसलिए 14,112 रुपए है। इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, यहाँ नीचे आके इसको रिमूव पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये 13,800 रह गया। अब यहाँ से नीचे आएंगे, ये भी यहाँ से डोनेशन भी हटा देंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे चेकबॉक्स पे ये हट गया। अब हमारा टोटल फेयर रह गया जो ये 13,866, ये पे करने हैं हमें। ठीक है, पे करने के लिए आप यहाँ नीचे आएंगे, यहां से आप अपनी डिटेल भी भर सकते हैं। अभी देखिए मैं यहां से इसको कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, करने के बाद इसको मैं नो कर रहा हूं यहाँ पे, और नो ही करना है क्योंकि ये इंश्योरेंस स्कीम हम नहीं ले रहे, तो इसको सबमिट करके रिव्यू कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना नाम डिटेल भरेंगे, ऐड एडल्ट पे यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना नाम देंगे, यहाँ लास्ट नेम जो आपको पासपोर्ट के ऊपर है, यहाँ से जेंडर सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद नेशनलिटी, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें। करने के बाद अगर और दो टिकटें बुक कर रहा है तो ऐड अडल्ट करके एक बार नाम यहाँ पे ऐड कर सकता था मैं, तो यहाँ से अपना फोन नंबर दे दें। उसके बाद ईमेल आईडी, यहाँ नीचे जाएंगे ये टर्म एंड कंडीशन पे यस करके कंटिन्यू पे क्लिक कर दें।